नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। सेक्स स्कैंडल में फंसा पत्नी के पैर छूने वाला मंत्री, निशाने पर केजरीवाल। रोज पत्नी के पैर छूने वाले दिल्ली के महिला बाल विकास मंत्री संदीप कुमार की एक आपत्तिजनक सीडी सामने आते ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। इस मामले के सामने आते ही केजरीवाल पर विपक्ष के हमले और तेज हो गए। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भ्रष्ट मूल्यों वाले लोगों को दिल्ली का प्रशासन सौंपने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अब तक ऐसा किसी भी सरकार में नहीं हुआ। कांग्रेस के अजय माकन ने ये कहते हुए आप पर प्रहार किया कि 6 मंत्रियों में से 3 फर्जी डिग्री, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन को लेकर पकड़े गए हैं। उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया। सीआईसी का पीएमओ से सवाल, खाते में कब आएंगे 15 लाख। केंद्रीय सूचना आयोग ने उस आरटीआई आवेदन पर प्रधानमंत्री कार्यालय को जवाब देने का निर्देश दिया है, जिसमें सवाल किया गया है कि उसके खाते में 15 लाख रुपए कब आएंगे, जिसका वादा 2014 के आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। राजस्थान के कन्हैया लाल नामक एक व्यक्ति के आवेदन के सिलसिले में ये निर्देश दिया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त राधाकृष्ण माथुर के अनुसार पीएमओ को भेजे ज्ञापन में लाल ने कहा था कि चुनाव के समय घोषणा की गई थी कि काला धन वापस भारत लाया जाएगा और हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए जमा होंगे। शिकायतकर्ता जानना चाहता है कि उसका क्या हुआ। मध्य प्रदेश में होते हैं सबसे ज्यादा बलात्कार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के बावजूद देश में बेटियां और महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? इस बात का अंदाजा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2015 की ताज़ा रिपोर्ट से लगाई जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 34,000 से अधिक दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए। बलात्कार के मामलों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुष्कर्म 34,651 वारदातें हुई है। इनमें से सबसे ज्यादा 4,391 वारदातें मध्य प्रदेश में हुई है। इस अवधि में महाराष्ट्र में 4,144, राजस्थान में 3,644, उत्तर प्रदेश में 3,025 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए।